इस समय मौजूद हूँ जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यहाँ पैदल मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय से ये मार्च सीधा चलेगा और सिविल लाइन फाटक तक जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे तमाम कांग्रेस नेता यहाँ मौजूद है, डिप्टी सीएम गहलोत भी यहाँ मौजूद है। तमाम कांग्रेस खेमा या केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाल रहे हैं। तमाम भीड़ आगे बढ़ रही है, पैदल मार्च ये सिविल लाइन तक जाएगा। कांग्रेस कार्यालय से ये मार्च शुरू हो चुका है। मोदी सरकार के खिलाफ यह नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के मीटे। पूरा आप माहौल देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त तमाम मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ मौजूद हैं। पैदल मार्च जा रहा है, डिप्टी सीएम और सीएम गहलोत भी इस पैदल मार्च में मौजूद है। आप पूरा हुजूम देख सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। ये नारेबाजी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी लगाई जा रही है। मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं इस पैदल मार्च में साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त में और बात करने की कोशिश, क्या कहेंगे पैदल मार्च जो आप चल रहे हैं? ये आज जो पैदल मार्च हो रहा है ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, बेरोजगारी हरी के लिए युवा तड़प रहा है, फिर भी इस केंद्र सरकार को शर्म नहीं रही। किस तरीके से ये सत्ता में आई थी, क्या कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन इन्होंने सत्ता में आने के बाद में अपना एक भी कार्य पूरा नहीं किया है। इनको शर्म आनी चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो तरीका बिल्कुल भी गलत है। उनको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। नोटबंदी करने के बाद में जिस तरीके से देश में आर्थिक मंदी आई है ये वाकई में नुकसानदायक है। कभी दो दशकों में ऐसा नहीं देखा गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सर, मोदी सरकार तो दावा करती है कि आर्थिक मंदी में अब बढ़ोतरी हो रही, सुधार हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके सारे झूठे आंकड़े हैं। ये अपने आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से उसका व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल ही गलत तरीके से ये उस चीज़ को पेश कर रहे हैं। ना तो संसद की गरिमा बनाए रख सकते हैं। जब ये संसद में जाते हैं तो संसद की चौखड़ को चूमते हैं और उसी संसद में नाथूराम गोडसे को ये देशभक्त कहते हैं। ये शर्म आने की बात है। आप ये चीज़ सोचिए, जिन्होंने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है, उस व्यक्ति को संसद में जाने के से पहले, जब इन्हें 2014 में सत्ता मिली थी तब इन्होंने संसद में जाने से पहले उस संसद की चौखड़ को चूमा। कांग्रेस प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ क्या मांग कर रही है? कांग्रेस प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मांग कर रही है कि उनको संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी जी ने जिस तरह कहा कि मैं अपने मन से उन्हें माफ नहीं करूंगा, उसके बाद भी उन्हें रक्षा समिति का सदस्य बनाया गया, ये वाकई में शर्म की बात है। हटा दिया गया, बिल्कुल उनको जब ये भारी दबाव के कारण उनको हटाया गया। लेकिन शर्म आने की बात है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति को अमर कह दिया, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को देशभक्त कह दिया, उसको अब हटाया गया, ये मोदी जी को शर्म आने की बात है, ये सोचने की बात है। देश के लिए कितना दुर्भाग्य है, जिस राष्ट्रपिता ने अपने प्राणों की आहुति, अपना पूरा जीवन इस देश को आज़ाद कराने में दे दिया, उसे इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है उसको आप देशभक्त बता रहे हैं। बड़े दुख की और बड़े शर्म की बात है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और बीजेपी के खिलाफ फिर हल्ला बोल यहाँ चल रहा है। और इस वक्त इस पैदल मार्च में डिप्टी सीएम गहलोत भी मौजूद है, तमाम पार्टी के तमाम दिग्गज कार्यकर्ता मौजूद है। पैदल मार्च कांग्रेस कार्यालय से आगे बढ़ रहा है, सिविल लाइन फाटक तक जाने वाला है। और इस पैदल मार्च में तमाम कांग्रेस के छोटे बड़े हर कार्यकर्ता आप यहाँ देख सकते हैं। पैदल मार्च आगे बढ़ता हुआ है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद है। उनसे जानते हैं कि केंद्र सरकार की जनता जन विरोधी पर उनका क्या कहना है। सर, क्या देखिए, ये जो केंद्रीय सरकार है, आज देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, बेरोजगारी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है, और जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो चार जजेज हैं वो लोकतंत्र के लिए आके उन्होंने ये कह दिया कि लोकतंत्र खतरे में है, तो मोदी सरकार बिल्कुल विफल है। सर, महाराष्ट्र में एक रात में सुबह 8 बजे फडणवीस को शपथ दिला दी गई, अजित पवार को अचानक से डिप्टी सीएम बना दिया गया, और क्या लगता है कि संविधान का अपमान है? यह पहली बार मैं समझता हूँ कि भारतीय इतिहास में हुआ है कि भोर होते ही जिसे मीडिया को दूर रखा गया, एकमात्र न्यूज एजेंसी थी ANI, उसी के द्वारा इसका कवरेज किया गया। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या थी। इस वक्त आप देख सकते हैं, आप मेरे ठीक पीछे सचिन पायलट और अशोक गहलोत यहाँ पैदल मार्च निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ ये पैदल मार्च जारी है, आप देख सकते हैं।
कार्यालय के ठीक बाहर से गुजर रहा है। आपको मैं नजारा दिखाना चाहूंगा बीजेपी कार्यालय का। ठीक बीजेपी कार्यालय के बाहर से यहाँ कांग्रेस का ये पैदल मार्च निकल रहा है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में मौजूद है। डिप्टी सीएम सीएम अशोक गहलोत, तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पैदल मार्च निकाले जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता आपको पैदल मार्च में दिख जाएंगे। डिप्टी सीएम गहलोत के साथ तमाम पदाधिकारी इस वक्त मेरे ठीक पीछे मौजूद है। तमाम पैदल मार्च निकाला जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ आर्थिक मंदी, बेरोजगार का मुद्दा लेकर पैदल मार्च निकाल रहा है, जो सिविल लाइन फाटक तक जाएगा। पीसीसी कार्यालय से पैदल मार्च निकाला गया और इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च में मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं सीएम गहलोत, सचिन पायलट तमाम यहाँ पैदल मार्च में मौजूद है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, पैदल मार्च निकाला जा रहा है, सिविल लाइन फाटक तक पैदल मार्च जाएगा। मोदी सरकार की आर्थिक नीति, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ बना के पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है, तमाम पदाधिकारी आप देखे जा सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं पैदल मार्च लगातार बढ़ रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और आगे चलो के नारे आप देख सकते हैं। इस वक्त पैदल मार्च सिविल लाइन जनसभा में पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तमाम कांग्रेस पदाधिकारी, तमाम नेता इस वक्त मंच पे मौजूद है। बीजेपी की आर्थिक नीति, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और रैली चलाई जा रही है। इस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास रैली को संबोधित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त मंच पे मौजूद है। ये धरना केंद्र सरकार की नीतियों में बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर उठाया जा रहा है। धरने में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है, मंच पे आप देख सकते हैं। पीसीसी कार्यालय से शुरू हुआ ये पैदल मार्च सिविल लाइन आके समाप्त हुआ है। इस वक्त जनसभा को संबोधित प्रताप सिंह खाचरियावास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, तमाम कांग्रेस समर्थक इस वक्त मौजूद है मंच पर। केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ अब कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ माहौल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आर्थिक मंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।